जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे, न्यार न्यार होके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे, न्यार न्यार होके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे, न्यार न्यार होके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे, न्यार न्यार होके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक तूर ते अनेक तूर पूर्त है, तूर के कनू का फिर तूर ही समाएंगे। जैसे एक तूर ते अनेक तूर पूर्त है, तूर के कनू का फिर तूर ही समाएंगे। जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे, न्यार न्यार होके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे, न्यार न्यार होके फिर आग में मिलाएंगे। ये शब्द धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का उचारिया होया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बयान करते हैं, जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए गए फिर आग में मिलाएंगे। चूल्हे दे विच आग बालिए, लकड़ा नू हलाइए, ना आग दे छोटे छोटे चंगियाड़े उतान उठदे ने। इस नू किया है जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे। आग इको ही है पर असंखा ही आग दे विचों आग दे चंगियाड़े उठते ने, पर न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। वो चंगियाड़े उठते ने पर फिर दोबारा आग दे विच मिल जाते। जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे, न्यार न्यार होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे, न्यार न्यार होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक तूर ते अनेक तूर पूर्त है, तूर के कनू का फिर तूर ही समाएंगे। जैसे एक तूर ते अनेक तूर पूर्त है,
तूर गया है मिट्टी ने, मिट्टी विच पैर मारिए ता मिट्टी दे छोटे छोटे गिनके उतान उड़दे ने, पर ओ मिट्टी दे गिनके उतान उड़ के फिर दोबारा मिट्टी दे विच मिल जांदे ने। ओ गिनके मिट्टी तू उतान उड़दे ने फिर दोबारा मिट्टी विच मिल जांदे ने, मिट्टी दा रूप हो जांदे ने। जैसे एक तूर ते अनेक तूर पूरत है, तूर के कणों का फिर तूर ही समाएंगे। जैसे एक आग ते कणों का कोट आग मोटे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कणों का कोट आग मोटे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, नद क्या है नदी नु तरंग पानी दिया लहर, नदी ता एक है पानी एक है, पर नदी विच पानी दियां लहरां उठदियां ने, फिर ओ लहरां पानी दे विच समा जांदियां ने। पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे, पानी दियां लहरां फिर पानी दे विच मिल जांदियां ने, उन्हां लहरां नूं असी पानी तो वखरा नहीं कहांगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे। जैसे एक आग ते कणों का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग कणों का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। जैसे एक आग ते कणों का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, ताही ते उपज सबे ताही में समाएंगे। कई लोग पानी दियां लहरां देखदे ने, उड़दी मिट्टी देखदे ने, आग दे उड़दे चंगियाड़े देखदे ने, देख के भुल जांदे ने। पर जिहड़े महापुरश ने हर चीज विचों सिख्या दिंदे, कलगीधर पातशाह कहिंदे ने जिस तरह अग दे चंगियाड़े अग विच मिल जांदे ने, मिट्टी दे किणके मिट्टी विच मिल जांदे ने,
पानी दियां लहरां पानी विच मिल जांदियां ने, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, ताही ते उपज सबे ताही में समाएंगे। इसे तरह ए दुनिया, इस दुनिया विच जिन्ने भी जीव ने सारे उस परमेश्वर तू पैदा होए ने। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, ताही ते उपज सबे ताही में समाएंगे। जैसे एक आग ते कनुका कोटे आग उठे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनुका कोटे आग उठे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। तन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 तन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। जैसे एक आग ते कनुका कोटे आग उठे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनुका कोटे आग उठे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। अधी रात भयानक वेला, चारों तरफ अंधेरा है, सर्दी है, वाह वगे ठंडेरी, पाला कांबा लाए। सर्दियां दे दिन, ठंडी हवा शरीर नू उठार के, शरीर नू कंबा के चली जांदी है। एक बड़ा उच्चा कैद खाना है, इस कैद खाने विच तीन शरीर कैद ने, एक पारी जबे वाली त्रीमत, दो बच्चे, कुप हनेरा, पैर पैर ते पहरा लगा है, अत सर्दी ना, थले वछाण नू कोई कपड़ा ना, उत्ते लैण नू कोई कपड़ा। रात कुछ बीत चुकी है, उस पारी जबे वाली तरीमत दी गोद विच सिर रख के बच्चे दोनों सौं चुके हैं। कोई संगी, कोई साथी, कोई प्यारा कोल नहीं, हर पासे दुश्मन ने, दुख देने वाले ने। पर एहो जे हालात विच भी ए पारी जबे वाली त्रीमत घबराई नहीं, दुखी नहीं, हाले भी कह रही है, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, जिथे रखें उथे रहना है, तेरी रजा विच रहना, तेरे हुक्म विच चलना, एहो ही ता साडा काम है, जिथे रखेंगा उथे रहांगे। दोनों बच्चियां दे सिरां ते हाथ रखे है, हिरदे विच बाणी दा वासा, चार चफेरे
कुछ नजर नहीं आता। एक पासे ठंडी हवा आती है, दूसरे पासे शरीर उठार के निकल जाती। सारा शहर सुता पे है, पर इन्हां तिन्हां दे कैद खाने विच पैण दी खबर सारे शहर नूं है, पर किसी दी हिम्मत नहीं। कोई इन्हां दी बंद खलासी वास्ते नवाब नूं जाके कवे, कोई मदद करे। कुछ लोग दुखी ने, कुछ विचारां भी करदे ने, पर कौन आके कवे, कौन मदद करे। ऐसे शहर विच एक घर है छोटा जिहा, इस घर दा बुआ अंदरों बंद है, दीवा बलदा पे, दो बच्चे सुते हुए ने, एक गभरू नौजवान अपनी घरवाली दे कोल बैठा होया, चेहरे ते कुछ चिंता, कुछ दुख, ते घरवाली नू कह रहे है, भलिए लोके तेरे कोल जेड़ा भी कोई गहना है, सोना चांदी कोई पैसा जो भी घर विच है ओ मैनू लिया के दे, नाले जल्दी कर, हनेरा बहुत है। दुध गर्म करके एक वड्डे गड़वे विच पा दे। घरवाली ने पूछिया इस वेले और इन्ने पहरे भारे विच इस वक्त पहरा लगे हर पासे, तुसी अद्धी रात किथे जाना है। कहन लगे तू जल्दी कर, पहला अपने गहने लिया के दे, जो पैसा टका है कर वो भी लिया के दे, ते दूध भी गर्म कर। घरवाली उठी, जो गहना गट्टा कर सी, जो पैसा सी लिया के सामने रख दिता। दूध गर्म करके एक वड्डे गड़वे विच पा दिता। दो तीन छन्ने दुध पीण वास्ते नाल दे दिते, ते पुछन लगी जाना कित्थे है। उस बंदी खाने विच जिथे सख्त पैर है, पंछी भी उस पासे नहीं जा सकदा, ते जिहड़ा जाण दी हिम्मत करेगा उसनू सिपाहियां ने खत्म कर देना। एक गभरू जवान कहन लगा पागा वालिए, उन्हां दी सेवा करन चले आ जिन्हां ने संसार दे भले वास्ते, संसार दे दुख दूर करन वास्ते अपना जीवन लाया, उन्हां दुनिया दे दुख अपने ते लै ले ने, आप दुखां विच पै के दुनिया नूं सुख देना है, ते सुख दे रहे। तुरन लगा, गहना गट्टा ले लिया, गड़वा दुध दा फड़ लिया, दरवाजा खोल के बाहर निकलन लगा। जांदे होए अपने पति घरवाली ने देखिया, ते कहन लगी ध्यान नाल जाना, जिन्हां नूं दुध पियाण चले हो वो कैद खाने विच ने, पता नहीं किहड़े वेले नवाब ने उन्हां नूं मौत दी सजा दे देनी है, ते जे उन्हां नूं पता लग गया कि तुसी कोई उन्हां दी मदद कीती है, ते किधरे साडा इह परिवार इह वी ना खत्म कर दे। गभरू जवान कहन लगा तू घबरा ना, कुछ नहीं होवेगा, मैं सेवा करन चलिया, पर एक गल याद रखी,
अगर सेवा करदे हां मैनू कुछ हो जाए तां रोना नहीं, जे मैं शहीद हो जा तां रोना नहीं। क्यों कि जिस राह ते मैं चलिया इस राह ते सिर जड़े ने तली ते रख के जाना पैंदा है। कहन लगे तू बुआ बंद कर ले, परमेश्वर मेरे अंग संग है, मैं हुणे दुध पिया के ते वापस आ जावांगा। घरवाली अपने इस पति नूं देखदी रह गई, जिहड़ा देखदिआं देखदिआं हनेरे विच गुम हो गया। घरवाली ने बुआ बंद कर लिया, बच्चियां कोल आके बह गई, सोचां विच डुब गई, कैसा हनेर है। जिन्ना दुनिया दे दुख दूर करने ने उन्हां नूं दुख ए दुनिया दे रही है। फिर पति बारे सोचिया, जवानी है, दो बच्चे ने, पर जदों सेवा दा ख्याल आया ते मेरा पति परिवार दा ख्याल छड के सेवा करन तुर पिया, भावें सेवा करदे आ जान चली जावे। जैसे एक आग ते कनुका कोटे आग उठे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनुका कोटे आग उठे, न्यारे न्यारे होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक तूर ते अनेक तूर पूरत है, तूर के कनू का फेरे तूर ही समाएंगे। जैसे एक तूर ते अनेक तूर पूरत है, तूर के कनू का फेरे तूर ही समा। जैसे एक आग ते कनुका कोटे आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनुका कोटे आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। एक गबरू नौजवान दुध का गड़वा हाथ विच फड़े है, हनेरे का फायदा उठांदा, लुकदा छिपदा अरदास करदा होया, ऐ सतगुरु सेवा करन निकले हैं, इन्ना बल बख्शी कि मैं सेवा कर सका। तुरदा होया एक गबरू नौजवान उस कैदखाने दे कोल जा पहुंचिया, पहरेदार खलोते ने, पर ए संसार, इस संसार विच रहंदे होए इंसान माया बदले अपना जमीर अपना आप भी अक्सर लोग वेच देंदे। इस गबरू नौजवान ने जो अपनी पूंजी सी, गहने सन, कोई पैसा सी, जो भी सी, सब कुछ उन्हां पहरेदारां नूं दे के दुध पियाण दी मंजूरी ले ली। सारा कुछ अपने जीवन दी कमाई पहरेदारां नूं दे के ए तुरन लगा। पहरेदारा ने कहा, भाई जल्दी मुड़ के आ जाई, बहुत ही देर ना लाई, साढ़े भी नौकरी का सवाल है। एक गबरू नौजवान कहन लगा, बस मैं दुध पिया के हुणे आ जाना है। दुध का गड़वा लेके उस कैदखाने के कोल पहुंचे,
ਔਖਾ ਨੇਰਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਜਬੇ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੋ? ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਬੇ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੈਦ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਧਰ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗੜਵੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾ ਤਾਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੁਕਾ ਕੋਟਿਆ ਗੋਠੇ, ਨਿਆਰ ਨਿਆਰ ਹੋਏ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗ ਮੇ ਮਿਲਾਏਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੁਕਾ ਕੋਟਿਆ ਗੋਠੇ, ਨਿਆਰ ਨਿਆਰ ਹੋਏ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗ ਮੇ ਮਿਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ
साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जैसे एक आग ते कनु का कोटे आग उठे न्यार न्यार होएंगे फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक आग ते कनु का कोटे आग उठे न्यार न्यार होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। मोतीराम मेहरा ने धन माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादिया नु दूध पियाया ता माता गुजरी धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी खुश होके अपने मुखारबिंद तो ये कहन लगे धन मोती जिन पुन कमाया गुरु लाला ताई दूध पियाया। मोती राम तो धन है जिन्हें अपनी जान खतरे विच पा के गुरु दे लाला दुध पियाया है उन्हां दी सेवा कीती। मोती राम मेहरा दुध पिया के हंजू केड़दा होया के माता जी काश मैं कुछ होर कर सकदा होर कुछ नहीं कर सकदा मेरे हाथ कुछ नहीं। माता जी चरणा नु हाथ लाया मथा टेकया कहन लगा माता जी तुहाडे चरणा ते सिर जिहड़ा रख देवे ओनू त्रिलोकी दे सुख मिलदे ने। इहना मूर्खां नू की पता गुरु नानक दा घर की है। मोती राम मेहरा खाली भांडे लै के एक खुशी के माता जी ते साहबजादियां दी सेवा कीती एक दुख के गुरु के लाल ते गुरु दे माता जी कैद विच ने ओ भी ठंडे बुरज विच सरंद दा ए ठंडा बुरज। मोती राम मेहरा ठंडे बुरज तो थले उतरिया पहरेदारां नूं मिल के वापस अपने घर चला गया। घरवाली फिक्र च बैठी सी खुश होई कि पति घर वापस आ गया। रात बीत गई दिन चढ़िया समा अपनी चाल चलदा रहा और एक दिन वो भी आ गया जिस दिन छोटे साहबजादे नीहां दे विच चिण दिते गए साहबजादे शहीद हो गए। माता गुजरी जी ने शरीर त्याग दिता एक खबर घर घर फैल गई। हुण नवाब नूं पता लग गया कि माता गुजरी जी ते छोटे साहबजादिया नूं मोती राम मेहरे ने दुध पियाया उन्हां दी सेवा कीती। बड़ा गुस्सा चढ़िया मोती राम मेहरे ने अपने दरबार च बुला लिया ते कहा मोती राम मेहरे नू तू बागी दी मां नू बागी दे पुत्रां नू दुध पियाया है। गुरु गोबिंद सिंह हकूमत दा बागी है ते तेरी सजा मौत दी सजा है। ता मोती राम मेहरा कहन लगे ए जन्म गुरु दे लिखे ला दिता है जिस गुरु ने साढ़े वर्गे लोगों नू सरदारियां दितियां मान दिता अपने गल ना लाया उदे परिवार दी उन्हां दे माता दी सेवा करदे आ जे मैं मर भी गया ते मैनू होर की चाहिए। नवाब कहन लगा अच्छा ठीक है हुक्म दे दिता मोती राम मेहरे नू इहदी घरवाली नू इहदे बच्चियां नू कोल्लू विच पीड़ दिता जावे। पर बाबा मोती राम मेहरा डोलिया नहीं
धर्म नहीं छड़िया। बाबा मोती राम मेहरा नू उन्हां दी पत्नी नू अते बच्चियां नू जिंदियां नू कोल्लू विच पीड दिता गया। ए सारा परिवार कोल्लू विच पीड़िया शहीद हो गया। उन्हां जालमां दे कलेजे ना कंबे, उन्हां दे हिरदे ना कंबे, पर सच नू प्यार करन वाले उन्हां दे दिल रोपे। पर कौन है जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठावे? पर ओ गुरु नानक, ओ परमेश्वर सब कुछ देखता है। इत्थे शरीर त्यागे पर गुरु दे चरणा विच इस परिवार नू जगह मिल गई। सेवा करदे आ मोती राम मेहरा ने अपना परिवार सब कुछ पेट कर दिता। क्यों के पता है इस कारण साडे वर्गियां नू उच्चा चुके है, नहीं तो साडे वर्गियां नीवियां जातां नू कौन पुछदा सी। आओ विचार करिए कि जिस संसार विच ये जातां ने, इस संसार दे विच कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े जातां नू नीवा ते उच्चा आखदे ने, उच्ची जात वाले वखरे बहिंदे ने ते नीवी जात वालियां नू दुतकारिया जांदा है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किन्नी कृपा की। आओ एक बारी इस पंक्ति नाल जुड़िए। जैसे एक आग ते कनु का कोटे आग उठे, न्यार न्यार होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोटे आग उठे, न्यार न्यार होए के फिर आग में मिलाएंगे। बहुत अमान उच्ची जात वालियां नूं मिलदा है ते जिहड़े नीवियां जातां वाले ने इन्हां नूं ते मंदर विच जाण दा भी हुक्म नहीं सी। ऐसी हालत तां उस वक्त इस गुरु नानक दे घर ने इन्हां नीवी जात वाले लोकां दी बांह फड़ी। बाबा मोती राम मेहरा ए मेहरियां दी जात विच चीवर, कहार, मला, नाई, रोड़े ते कुम्यार मन्ने जांदे हन। इन्हां सारिआं नूं नीवां गिणिआ जांदा है। कहार डोलियां चुकण वाले, मला नदियां विच बेड़ियां बेड़े चलाउण वाले, इन्हां नूं कदी भी किसी ने माण नहीं दिता। हुण दी गल नहीं, द्वापर युग दे विच भी इन्हां लोकां नूं उच्चा नहीं सी समझिआ जांदा। ए वक्री गल है कि भगवान जात पात नहीं देखदा, पर उसे भगवान नूं मन्नण वाले जातां पातां ते भरोसा करदे ने। द्वापर दे विच द्रोणाचार्य कैरवां ते पांडवां दे गुरु सन। ए कैरवां ते पांडवां नूं शस्त्र विद्या सिखाया करदे सन। पांडवां विच अर्जुन जिहड़ा सी ये सब तों बलवान ते वड्डा तीर अंदाज सी, इहदे वर्गा कोई तीर नहीं सी चला सकदा, कोई निशाना नहीं सी लगा सकदा। जदों द्रोणाचार्य इन्हां नूं तीर अते शस्त्र विद्या सिखा रहे सन, उस वक्त एकलव नाम दा एक नीवी जात दा एक लड़का इहदे मन विच भी चाह आया कि इन्हां राजकुमारां दी तरह मैं भी तीर चलाना सिखा। ते जदों ये एकलव द्रोणाचार्य दे कोल गए ते द्रोणाचार्य ने यह कह के इस नूं वापस कर दिता कि तू नीवी जात दा है, मैं तेनू शस्त्र विद्या नहीं सिखाणी। पर एकलव दे मन विच ए तनुष विद्या सिखण दा बड़ा चाह सी। इस एकलव नूं द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या नहीं दिती, पर एकलव लुक लुक के
द्रोणाचार्य नूं देखदा रहिंदा सी। और एक दिन दी गल है, अर्जन अपने पांडव भरावां दे नाल कैरवां दे नाल खेड रहे सन तां इन्हां दा खिदू खूह च डिग पिया। हुण सारे सोचण लगे कि खूह विचों खिदू किस तरह बाहर कढ़िया जाए। तां अर्जन ने खूह दे विच तीर चलाया, वो तीर खिदू ते लगा, फिर उस तीर ते तीर चलाया, फिर उस तीर ते तीर चलाया, इस तरह करके तीरां ते तीर चला के तीरां नूं फड़ के बाहर खिंचिया ते खिदू बाहर कढ लिया। ये देख के द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन इस संसार दे विच तेरे मुकाबले ते कोई धनुष विद्या दा तनी नहीं। कुछ दिन बीते, द्रोणाचार्य इन्हां राजकुमारां दे नाल जंगल विच जा रहे सन। एकलव उसे पासे खलोता सी, एक कुत्ता भौंकण लग पिया। एकलव दे मन विच शरदा सी, कहन लगा कुत्ता भौंक रहा है, इधर मेरा गुरु द्रोणाचार्य आ रहा है, ये तो ठीक नहीं, ते कुत्ते कोल भज के जाना चंगा ना समझिया कि पता लग जाएगा मैं नीवी जात दा इत्थे खलोता। एकलव ने तीर चलाए, वो कुत्ता जिहड़ा भौंक रहा सी उहदा मूँह तीरां दे नाल भर दिता, उहदा भौंकना बंद हो गया। द्रोणाचार्य इह सारे पांडव ते कैरव बड़े हैरान होए, इह किहड़ा ऐसा बली है जिन्हें तीरां दे नाल कुत्ते दा मूँह भर दिता है ते खून भी नहीं वगिया। द्रोणाचार्य ने कहा, पता करो ये कौन है। ता एकलव अगे आया, जदों द्रोणाचार्य नूं मत्था टेकिया ते द्रोणाचार्य हैरान होके कहन लगे, ये विद्या तू कित्थों सीखी। ता एकलव द्रोणाचार्य नूं अपने टिकाने लै गया ते द्रोणाचार्य हैरान हो गए कि एक मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की बनाई हुई है जिदे अगे फुल पए ने। एकलव कहन लगा, गुरु जी जदों तुसी राजकुमारां नूं इह विद्या सिखांदे हो तां मैं लुक के देखदा रहिंदा, फिर तुहाडी मूर्ति दे सामने आ के मैं अभ्यास कीता है। द्रोणाचार्य बड़े खुश होए, पर राजकुमार नाराज हो गए, कहन लगे, महाराज तुसी ते कहिंदे सी अर्जुन वर्गा कोई तीर चलाण वाला नहीं, एक नीवी जात दा, इह ते अर्जुन तों वी अगे लंघ गया। ए सुन के द्रोणाचार्य सोची पै गए कि राजकुमारां नूं भी नाराज नहीं करना। कहन लगे, एकलव तू धनुष विद्या सीखी, मैं तेरा गुरु हां ते मेरी गुरु दक्षिणा दे। एकलव कहन लगा, महाराज जो मंगो, जो मैं दे सकदा जरूर देवांगा। ते द्रोणाचार्य ने कहा, इस तरह कर, अपना अंगूठा कट के दे दे। होवे गुरु, गुरु वो है जिहड़ा न्याय करे, जिहड़ा अन्याय करे वो गुरु नहीं हो सकता। अंगूठा मंगिया, एकलव ने एक मिनट ना लाया अपना अंगूठा कट के दे दिता। आपनु पता है कि जिहड़ा अंगूठा है तीर चलान लगिया इहदी लोड़ हुंदी, जे अंगूठा ना होवे ते तीर चलाना बड़ा औखा है क्योंकि तीर फड़ के खिंची दे, और अंगूठा ही ना रहा ते तीर किवें चलाना। अंगूठा कट के दे दिता ते एकलव बेकार हो गया। हुण उस तरह वो धनुष विद्या का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। राजकुमार खुश हो गए, द्रोणाचार्य चले गए, पर किन्ना अन्याय है, एक नीवी जात का है, गरीब है, इस करके उहदा अंगूठा मंग लिया ते राजकुमारां नूं खुश कर दिता। एक ए गुरु है उस गरीब दी भावना नहीं देखी, नीवी जादा समझ के उहदा अंगूठा मंग लिया। इस वास्ते कि
ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਏਕਲਵ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਹਰਾ ਜਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਝੀਵਰ ਕਹਾਰ ਅਤੇ ਮਲਾਹ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੀਵਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ, ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂ ਕਾ ਕੋਟੇ ਆਗ ਉਠੇ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਗਏ ਫਿਰ ਆਗ ਮੇ ਮਿਲਾਏਗੇ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂ ਕਾ ਕੋਟੇ ਆਗ ਉਠੇ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਗਏ ਫਿਰ ਆਗ ਮੇ ਮਿਲਾਏਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੀਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੀਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਚੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਜੂ। ਇਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੜੀ ਸੀ, ਛੜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਛੱਜੂ ਭਗਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
गीता की कथा की थी। औखे सलोक पर छजू जीवर इंज पिया पढ़ता है जिमें कोई बड़ा वड्डा ग्ञानी होंदा है। तां उस पंडित ने अठवें पातशाह के चरणों से मत्था टेकिया, मन का हंकार दूर किया। अठवें पातशाह ने छजू चीवर बुद्धि का दान दिता, बोल नहीं सी सकता रसना बख्शी, सुन नहीं सी सकता सुनन की शक्ति दिती, और अपने गल दे नाल ला लिया एक चीवर नू जिन्हों मंदिर जाण दा हुक्म नहीं, जिन्हों कोई कोल बिठा के राजी नहीं। छजू चीवर ज्ञानी बन गया। गुरु घर वालों सारिया जातां सारे धर्मां दे लोकां नू नीवियां जातां नू अपर बराबर अपने बराबर दर्जा दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इत्थों तक कह दिता कि जिहड़ा अमृत छक लवे मेरे कहे ते चले रहणी विच रवे ओ खालसा ते खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। ये माण देना गुरु नानक दे हिस्से आया है। ब्यास जिन्ना वेद लिखे, ब्यास जी की पूजा होंदी है, इन्हां दी माता भी एक मलाह दी बेटी सी इन्हां महरियां विचों, पर फिर भी इन्हां जातां नूं नीवां ही गिणिया गया। भावें ब्यास जी ने वेदां दी कथा लिखी, पर गुरु नानक दे घर इन्हां सारियां नूं एक नवां रूप दिता, वो है खालसे दा रूप, सिंह दा रूप, सिख दा रूप। जैसे एक आग ते कनु का कोटे आग उठे, न्यार न्यार होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोटे आग उठे, न्यार न्यार होएंगे फिर आग में मिलाएंगे। तन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 तन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। जैसे एक आग ते कनु का कोटे आग उठे, न्यार न्यार होएंगे फिर आग में मिलाएंगे, आग में मिलाएंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। त्रेते युग में श्री रामचंद्र ने एक शिवरी दे नीवी जात दी औरत दे हथों उसे देखा दे हुए जूठे बेर खादे, शिवरी दे जूठे बेर खादे। पर अजीब गल ए है, एक पासे राम एक नीवी जात दी शिवरी दे जूठे बेर खांदे ने, दूसरे पासे उसे राम दे मंदिर विच नीवी जात वाले नूं जाण दा हुक्म नहीं सी। जे कोई नीवी जात वाला मंदिर चला जांदा सी तां उहनूं बाहर कढ दित्ता जांदा सी कुट के तूं मंदिर भ्रिष्ट कर दित्ता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं सारिआं नूं इक बराबर दर्जा देंगा। गुरु साहिबां ने यह गल कही कि मैं कुछ भी हो जाए भावें मैनू अपना परिवार अपना आप क्यों ना वार ना पवे, पर मैं इस संसार विच एक नवा समाज बनावांगा। और वह समाज बनाया जिसनों खालसा पंथ कहा जाता है। जद भी किसी नूं देखो सिर ते दस्तार, सोहना दाड़ा, गादरे कृपान, जे जानते नहीं तो किसी ने उसकी जात नहीं पुछनी। उन्हें यो ही कहना है यह गुरु का सिख है, यह गुरु का सिंह है, क्योंकि गुरु साहिबां ने जाता खत्म कर दी। नीचे ऊच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। भाई हिम्मत सिंह आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने
जेड़े पांच प्यारे साजे भाई हिम्मत सिंह जी उन्हां विचों एक पांच प्यारे सन जेड़े चीवर जात दे सन। इस चीवर जात नूं मेहरा जात भी कहा जाता है। यह गुरु घर की मेहर है, गुरु घर की कृपा है कि इन्हां नीवियां जातां नूं इन्ना माण दिता। तो जेड़े लोग इस उपदेश नूं मनदे ने, ऐ भाई जिस तरह मिट्टी मिट्टी विच मिल जाती, अग दे चंग्याड़े अग विच मिल जाते ने, पानी दियां लहरां पानी विच मिल जांदियां ने, इस तरह असां सारिआं ने एक दिन उस परमेश्वर विच समा जाणा है। फिर ये वैर विरोध, ये नफरत, ये ईरखा क्यों? जदों इंसान सच्चे मनो ये विचार कर लवे एक दिन मरना है, इस संसार नूं छड्ड के चले जाना है। सच्चे मनो जदों इंसान ये सोच लवेगा फिर वैर विरोध आपे मिट जाएगा। तो गुरु साहिबां दा उपदेश है, भाई क्यों लड़दे हो, क्यों झगड़दे हो, क्यों एक दूसरे नूं दुख देंदे हो? ऐ भाई बाणी पढ़ो, सुखी वसो, अपने धर्म नूं ना छड़ो, अणख नाल जियो, पर किसे नूं दुख ना दियो। गुरु साहिबां दा ये हुक्म जिन्ना मनिया उन्ना सुख पाया। बाबा मोती राम मेहरा ने अपना परिवार अपना आप लेखे ला दिता, तो जिहड़ा सेवा करता है रहिंदी दुनिया तक अमर हो जाता है। अज मोती राम मेहरा का ये जिहड़ा पुन कमाया होया सी सफल होया सरहंद फतेहगढ़ साहब के सामने, इस मोती राम मेहरा के नाम से संगतां हुण गुरद्वारा बना रही ने, ता कि जिहड़ा भी इत्थे आवे उन्हूं याद होवे कि बाबा मोती राम मेहरा ने धन माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादियां नूं दुध पियाया, ते उसकी सजा ये मिली कि उन्हूं ते उहदे परिवार नूं कुल्लू विच पीट दिता गया, पर सेवा कीती धर्म नहीं हारिया। आओ भाई आपां भी ऐसे महापुरशां दे जीवन तों सिख्या लईए, अपना जीवन दसानवां दे किरत करदिआं बताइए, नाम जपदिआं अते गुरु दे राह ते चलदिआं होइआं। जैसे एक आग ते कनों का घोंटिआ घूंटे, न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे। तैसे विश्व रूप ते आभूत भूत प्रगट होए, ताई ते उपज सबे ताई में समाएंगे। जैसे एक आग ते कनों का घोंटिआ घूंटे, न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। जैसे एक आग ते कनों का घोंटिआ घूंटे, न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे, आग में मिलाएंगे, आग में मिलाएंगे। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहे सतनाम जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
सदा सुखी रहे। वाहेगुरु बोलिए सब रचना वाहे गुरु जी, तेरा सब सदका वाहे गुरु जी, तेरी सब रचना वाहे गुरु जी, तेरा सब सदका वाहे गुरु जी। तन बाबा नानक, तन बाबा नानक, तन बाबा नानक, तन बाबा नानक।